Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry in association with Cummins College of Engineering for Women, Nagpur. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आ रहे हैं, यह उनका राजनीतिक दौरा है। लोकसभा के चुनाव के बाद आज भोपाल में बीजेपी का सबसे बड़ा मंथन होने जा रहा है। बीजेपी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। मराठा आरक्षण को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग को लेकर मराठा प्रदर्शनकारी आज महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। तेजी पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पारंपरिक औपचारिक स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर बारिश जनित अलग अलग घटनाओं में कुल 9 लोगों की मौत हो गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने राज्य में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी चिंगारी शेख हसीना की तत्काल पलट तक पहुंच गई है। आनन फानन में उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है। नागपुर जिले के मौदा तालुका के जुन्नर गांव में मंगलवार को तड़के 3 बजे एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। महाराष्ट्र मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोकण में सक्रिय है। कोकण उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में अधिकांश स्थानों पर बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र के एक जंगल में 50 वर्षीय महिला लोहे की जंजीर से बंधी मिली थी। अब महिला ने दावा किया है कि उसने खुद को जंजीर से बांधा था और इस घटना में कोई और शामिल नहीं था। राज ठाकरे के मराठा आरक्षण को लेकर दिए बयान पर रामदास आठवले ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी को 2 श्रेणियां बनानी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को पुणे और पिंपरी चिंचवड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मराठा आरक्षण कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे से धाराशिव के एक होटल में मुलाकात की। वे ठाकरे के अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बयान पर स्पष्टीकरण चाहते थे। आम आदमी पार्टी के मुंबई अध्यक्ष प्रीतेश शर्मा मेनन ने कहा कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में हमारा वोट बैंक बहुत मजबूत है। घरेलू शेयर बाजारों की शानदार शुरुआत हुई और सेंसेक्स ने तो बाजार खुलते ही 950 अंकों से ज्यादा की उड़ान भरी है। निफ्टी ने 24,300 के ऊपर की राह पकड़ ली है और निवेशकों में उत्साह है। बांग्लादेश में बड़ा तत्का पलट देखने को मिला है जिसके बाद वहां होने वाले अगले T20 वर्ल्ड कप खतरा मंडराने लगा है। अब विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत की तरफ देखा जा रहा है। अविनाश साबले ने इतिहास रचते हुए पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में जगह बना ली है। वह इवेंट में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। आज यानी 6 अगस्त को ओलंपिक में भारत का 11वां दिन होगा। आज नीरज चोपड़ा एक्शन में दिखाई देंगे। इसके अलावा मेंस हॉकी टीम सेमीफाइनल खेलेगी। कभी टीवी के संस्कारी बहू के रूप में पहचान रखने वाली सारा खान अपना 35वां जन्मदिन मनाने वाली है। सपना बाबुल का विदाई से पॉपुलर हुई सारा ने नेशनल टीवी पर ही शादी कर ली थी। दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम एक मशहूर ब्लॉगर है। सबा ने हाल ही में मुंबई में एक लग्जरी रेस्टोरेंट खोला है, साथ ही रेस्टोरेंट का नाम भी रिवील कर दिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।